गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड. आज का चैप्टर है आपका सेकी बाज मक्खी. एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करने करके आराम कर रहा था. इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची. शेर ने 2-3 दिनों में स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन भिना भिन 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 करके करने लगी. शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी. उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई. लेकिन फिर से शेर के कान के आसपास भिन भिन शुरू हुई. अब शेर को गुस्सा आया. वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा. मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती. शेर का गुस्सा बढ़ गया. उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है. चुप हो जा वरना अभी. मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ. शेर आग बगुला हो गया. उसने कान के पास पंजा मारा. मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया. मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो मक्खी को फिर पंजा मारा. मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई. मक्खी फिर शेर के माथे पर बैठी, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर. शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता. मक्खी तो फट से उड़ जाती. अंत में शेर उब गया, थक गया. वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस. मक्खी घमंड से चूर हो गई, उड़ती आगे बढ़ी. सामने हाथी मिला. मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा. हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से समय कौन बर्बाद करे. हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई. सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा. लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी. इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल तू प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल का हाथी को हरा दिया है. लोमड़ी ने उससे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आप, आपके माता पिता. लेकिन मक्खी रानी, इधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, न वह आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर ले लो. यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी. मक्खी बोली, उस मक्खी को तो मैं चुटकी बजा दे ख़त्म कर देती हूँ. यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरह झपट और मकड़ी के जाले में फंस गई. मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती जाती, त्यों त्यों वो और अधिक फंसती जाती. अंत में वह थक गई, हार गई. यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली बनी. इसके राइटर है योगेश जोशी. कैसी लगी कहानी, ये तो आपको बताना है. कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करनी है. तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों, ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे. मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ. आपको जब मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस गई थी तो उसके बाद क्या हुआ होगा, ये कहानी को आपने सोचकर लिखना है. कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रख लिया जाता तो उसे क्या क्या नाम हो सकते थे. आप देखो ये क्या कह रहा है, अगर कहानी में
कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे, आपको ये नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में। आप तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किस पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। आप तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक ढूंढो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जलाया तो वह आग बगुला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो। ये क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर कभी कभी शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने क्या क्या खाया ये वाले कॉलम में लिखना है आपको, और आप क्या क्या खाते हो इसमें लिखना है। ठीक है। किसने क्या किया। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा था। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा था। ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं इसमें आपको देखना है कौन क्या बोल रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखना है आपको। फिर उसके बाद है आपका हाथी। हाथी मक्खी से क्या बोल रहा होगा, लोमड़ी मक्खी से क्या बोल रहा होगा, या मक्खी लोमड़ी से क्या बोल रही होगी। फिर उसके बाद लोमड़ी ने मक्खी से क्या बोला होगा। ये कहानी के स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कौन क्या। कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था, चतुर कौन था, समझदार कौन था, डरपोक कौन था, चतुर कौन था, आलसी कौन था। चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेती हो बताओ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा और चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ। शेखी बाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्द कर ले वह लीडर बनेगा। रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते में जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। इसमें आपको अपने बुक्स में ये आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा जाले से मकड़ी के पास जल्दी पहुंच जाएगा वो आपको बताना है। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बगुला हो उठा। आपको बताना है शेर गुस्से में, शेर को बहुत गुस्सा आ गया, उसकी जरा खबर लो, उसको जरा समझाओ। ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। उड़ते मडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास। आपके घरों में बल्ब जलता है ऐसे, तो जल्द बल्ब जब जला होता है तो आपको
इनके उसमें क्या मंडराते हुए देखते हैं आप? मक्खी, तितली, ऐसी ना, ऐसे आप देखते हैं तो उसके बारे में आपको लिख देना है। खेतों में कौन कौन से मंडराते रहते हैं? इकट्ठे पानी के ऊपर, फूलों पर, कचरे के ढेर पर, हलवाई की मिठाइयों पर। कौन है सेखी बात? क्या तुम किसी सेखी बात को जानते हो? कौन है वह? वह किसी चीज़ के बारे में सेखी बघारता है। आपका चैप्टर खत्म हुआ। चलिए, ओके, बाय।